Good morning, students. Hope you all are safe and doing your studies properly. As you know that reading is very essential for all of us because it enhances our vocabulary and thinking skills. Stories play an important role in developing reading habit. Students, there are many gods in Indian mythology like Surya, Shiva. Mythology means पौराणिक कथाएं. यू मस्ट हैव हर्ड मैनी स्टोरीज अबाउट देम लाइक गणपति, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा. एंड दिस स्टोरी किंग मिडास एंड द डोंकी ईयर्स हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी. इन द स्टोरी अपोलो इज द गॉड ऑफ म्यूजिक एंड पैन इज द गॉड ऑफ शेफर्ड्स. मिडास वॉज द नेम ऑफ अ किंग इन अ रीजन दैट इज नाउ नोन एज टर्की. मिडास एक ऐसी जगह का राजा था जिसे आज हम टर्की के नाम से जानते हैं. ही वॉज नोन फॉर हिज ग्रीड एंड फुलिशनेस. वो अपने लालच और मूर्खता के लिए जाना जाता था. इन दिस स्टोरी मिडास इज फुलिश इनफ नॉट टू चूज द गॉड ऑफ म्यूजिक एज द विनर ऑफ अ म्यूजिक कॉन्टेस्ट. इस कहानी में दिखाया गया है कि मिडास इतना मूर्ख था कि जब उसे एक म्यूजिक कॉन्टेस्ट में बुलाया गया तो उसने गॉड ऑफ म्यूजिक को ही विनर नहीं चुना. Long time ago, Pan, the god of shepherd, was heard boasting to Apollo, the god of music. बहुत समय पहले की बात है. Pan, जो कि देव चरवाहों का देवता था, उसने अपोलो जो कि म्यूजिक का देवता था उसके साथ शर्त लगाई that I am a better musician than you, कि मैं तो तुमसे ज्यादा अच्छा म्यूजिशियन हूँ. I can produce more beautiful melody with my flute, मैं अपनी बांसुरी के साथ बड़ी अच्छी धुनें बजा सकता हूँ. Then you can with your silly harp, जो तुम अपने तानपुरे के साथ धुनें बजाते हो उसे कहीं ज्यादा अच्छी धुनें मैं अपनी बांसुरी के साथ बजा सकता हूँ. They had a music contest to find who was better. King Midas was asked to be the judge of the competition. Harps began to play. It means both Apollo and Pan started their competition. At the end, Midas, because he was friends with the shepherds, voted for Pan. Pan was King Midas' friend, so Midas selected Pan as the winner. At this, Apollo was furious. Apollo ko gussa aa gaya. You, Midas, have no taste, cried Apollo. Apollo को बहुत गुस्सा आया. उसने कहा, मिडास क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता चल रहा कि कौन बेटर है. यू मस्ट हैव द ईयर्स ऑफ अ डोंकी इफ यू थिंक अ शेफर्ड इज बेटर देन मी. तुम्हारे कान जो हैं एक डोंकी की तरह हो जाएं अगर तुम्हें लगता है कि एक चरवाहा गॉड ऑफ म्यूजिक से ज्यादा बेटर है. नेक्स्ट मोमेंट किंग मिडास फेल्ट हिज ईयर्स क्विवर. अचानक से किंग मिडास को लगने लगा कि उसके कान शेक कर रहे हैं, हिल रहे हैं. हिज ईयर्स स्प्रैंग आउट एंड टर्न इन टू लार्ज फरी ईयर्स ऑफ अ डोंकी. और धीरे धीरे किंग मिडास के कान बाहर आते गए और बिल्कुल डोंकी जैसे ईयर्स हो गए. द किंग वॉज हॉरिफाइड. हॉरिफाइड मीन्स टेरिफाइड, डर जाना. किंग मिडास थॉट, How can I appear before my people with these big donkey ears? कि मैं इन लंबे लंबे बड़े बड़े donkey ears के साथ कैसे अपने लोगों के सामने जाऊं? What would the kings of other lands say when they see my ears? He wailed. वो रोने लगा, चीखने लगा कि दूसरी जगह के राजा मेरे बारे में क्या कहेंगे. He went about wearing huge hats, heavy helmets and bulky scarves to hide his ears. उसने अपने donkey ears को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी hats, heavy helmets, मुकुट और भारी भारी scarves को पहनना start कर दिया. Midas called for the royal barber for cutting his hair. And when he was sure they were totally alone, जब मिडास को विश्वास हो गया कि रॉयल बार्बर और वो दोनों अकेले हैं, आसपास कोई नहीं है, he removed his headgear, तो उसने अपना मुकुट उतार दिया. And the barber learned the secret of the king's long ears, और इस तरह बार्बर को पता लग गया कि राजा के ईयर्स डोंकी की तरह लॉन्ग हैं. The royal barber kept his word for a while.
कुछ समय के लिए तो रॉयल बार्बर इस बात को छुपाता रहा, बट इट वॉज टू बिग अ सीक्रेट फॉर हिम टू कीप फॉर लॉन्ग। लेकिन उससे ज्यादा समय के लिए इस सीक्रेट को छुपाया नहीं जा रहा था। इट वॉज ड्राइविंग हिम क्रेजी, ये बात उसे पागल कर रही थी। ही वॉज क्रेविंग टू टेल समवन, वो ये बात किसी को बताना चाहता था। ही जस्ट हैड टू, वो ये सीक्रेट किसी के साथ शेयर करना चाहता था। However, he had promised his king not to tell anyone, पर उसने अपने राजा से ये वादा भी किया था कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। You will never tell anyone about my ears, said Midas. Midas ने रॉयल बार्बर को कहा कि वादा करो तुम मेरे इन ईयर्स के बारे में किसी को नहीं बताओगे, और I shall have you beheaded, अदर नहीं तो मैं तुम्हारे सिर को काट दूंगा। बार्बर couldn't hold it any longer. अब बार्बर से रुका नहीं जा रहा था। He went out into a field, वो एक खेत में गया। Dug a hole in the soil, उसने मिट्टी में एक होल किया। And whispered into it, इसमें धीरे से कहा, King Midas has donkey's ears, King Midas के ears donkey की तरह हैं। He felt much better. रॉयल बार्बर को पहले से बहुत अच्छा लग रहा था। He returned home sure that no one had heard him. जब वो घर वापस आया तो उसे इस बात का विश्वास था कि जो सीक्रेट उसने बोला है वो किसी इंसान ने नहीं सुना। Time passed, समय बीतता गया। And reeds grew over the place where the barber had dug a hole and spelled out the secret. और जो वो घास उस होल के आसपास थी जहां बार्बर ने सीक्रेट बोला था वो बढ़ती गई। The reeds scattered all over the mountains kingdom. वो घास जो थी वो माउंटेन्स के चारों तरफ फैल गई। The reeds that grew were the reeds of Echo. वो जो घास थी वो जो reeds थी वो reeds of Echo थी। Reeds of Echo मतलब वो गूंज वाली घास थी, वो जो है वो गूंज पैदा करती थी, आवाजें पैदा करती थी। And imagine the king's surprise when as the reeds and grasses of the meadow whispered in the breeze, they spoke these words, King Midas has donkey's ears, King Midas has donkey's ears. और जरा सोचो राजा कितना हैरान हुआ जब उसने देखा कि रीड्स और ग्रासेस जो वहां पर घास के मैदानों में फैली हुई थी धीरे धीरे हवा में बोल रही थी कि किंग मिडास राजा के जो हैं डोंकीज ईयर्स हैं, राजा किंग मिडास के डोंकीज ईयर्स हैं। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द एंटायर किंगडम न्यू द किंग सीक्रेट, और पूरे साम्राज्य को ये बात पता चलने में समय नहीं लगा कि राजा के डोंकीज ईयर्स हैं। सब लोगों को पता चल चुका था कि राजा का सीक्रेट क्या था। फ्रेंड्स, आई हैव सेंट यू अ लिस्ट ऑफ मीनिंग्स ऑफ दीज हाइलाइटेड वर्ड्स, सो बिफोर रीडिंग द लेसन यू राइट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स विद अ पेंसिल। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। रीड द होल स्टोरी योरसेल्फ, डू द बुक वर्क with the help of answer key and write question answers in your English notebook. Stay home, stay safe, keep learning.